देखो रजिया, अम्मा ने पोलियो के कतरे पिलाने से मना कर दिया। आपकी अम्मा ऐसा कैसे कर सकती हैं? अगर छोटी को पोलियो के कतरे ना पिलाने की वजह से कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, आप, मैं या आपकी अम्मा? मेरे पास तुम्हारे इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। तुम्हें कोई मसला है तो खुद बात कर लो जाके अम्मा से। मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं ये दौरे जहालत कब खत्म होगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मेरी जॉब की प्रमोशन होने वाली है। मेरे लिए जॉब करना बहुत ही टफ था क्योंकि मैं आम लोगों जैसी नहीं हूँ, और आम लोगों जैसी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं पैरालाइज हूँ और ये व्हीलचेयर मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मेरा सहारा है। मेरा नाम है इकरा और मैं एक व्हीलचेयर गर्ल हूँ। आज आप सब लोगों को इकट्ठा करने का मकसद यह है कि मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, और वो अनाउंसमेंट इकरा के लिए है। इकरा, मैं आपके वर्क से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। आपकी हार्ड वर्किंग की वजह से हमारी कंपनी को बहुत बेनिफिट हुआ है, इसलिए आप डिजर्व करती हैं कि आपको प्रमोशन दी जाए। सो कांग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन। बहुत बहुत मुबारक हो, आज से आप अपना अलग ऑफिस संभालें। सर, मगर हमारी प्रमोशन? देखिए, आप लोग भी हार्ड वर्क करें तो आप लोगों को भी प्रमोशन का मौका मिलेगा। अभी फिलहाल आप दोनों मिस इकरा के अंडर काम करेंगे। इसी तरह आपको बहुत मुबारक हो, अगर आपके पास टाइम हो तो हमें भी काम असाइन करें। जी, आप लोग वेट करें, मैं आपको बताती हूँ। काम बताएंगी भी या इस नमूने के साथ लगी रहेंगी? और आपको क्या लगता है ये आपके साथ दोस्ती निभा रहा है, ये सिर्फ अपना मतलब निकाल रहा है? आज नहीं तो कल सच्चाई आपके सामने जरूर खुलेगी। ये आप लोगों का मसला नहीं है, ये मेरा मसला है। मेरे साथ कौन सिंसियर है कौन नहीं, आप लोग अपने काम से काम रखें। और अगर इसने मुझे धोखा दे भी दिया तो मैं अपना दुख लेके आप लोगों के पास हरगिज नहीं आऊंगी। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। तुम इनकी बातों का स्ट्रेस नहीं लेना, ये लोग तुम्हारी सक्सेस से जलते हैं इसलिए इतनी बकवास करके गए हैं। और तुम तो मुझे एक मन से जानती हो ना, कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि मैं तुम्हारे साथ मतलब के लिए हूँ? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो, मैं खुद ही तुमसे दूरी इख्तियार कर लूंगा। नहीं नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती। तुम छोड़ो इनकी बातों को। ये प्रोजेक्ट देखो, अब हमने इसके ऊपर काम करना है, और अब मैं निकलने लगी क्योंकि बाबा की मेडिसिन और खाने का टाइम हो गया है। और मैं बाबा से बात करूंगी बैडमिंटन के लिए, अगर वो मान गए तो हम रात को बैडमिंटन खेलेंगे। कैसा चल रहा है आपका स्कूल? हाँ जी बाबा, बहुत अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह बेटा, बहुत संभल के चलना, कभी अपने बाप का सर झुकने मत देना, क्योंकि तुम नहीं समझती कि हमारे मुआशरे में एक लड़की का घर से बाहर निकलकर काम करना कितना मायूब जाना जाता है। ये तो बस तुम्हारा शौक था जिसके लिए मैंने आपको स्कूल में जॉब करने की इजाजत दे दी, क्योंकि वहाँ सारी खवातीन होती हैं। बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं, दुनिया कितनी आगे निकल चुके, हमें भी दुनिया के साथ चलना है। बाबा मैं खुद को किसी से कम नहीं समझती, मैं कुछ करना चाहती हूँ, अपने मुल्क और आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। बाबा मुझे इन सब के लिए आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। बेटा मैं समझता हूँ, अभी तो मैंने आपको जॉब करने की इजाजत दी है, मगर मैं डरता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कोई गलत बात न कर। बाबा ऐसा कुछ नहीं होगा, बस आप मेरा साथ देते रहें। और बाबा मुझे आपसे एक और बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। बाबा आप तो जानते हैं मेरा सबसे बड़ा ख्वाब बैडमिंटन प्लेयर बनना है, और मैं बड़े लेवल पर खेलना चाहती हूँ। उसी के लिए बस आज से प्रैक्टिस शुरू करनी है और आपकी परमिशन की जरूरत है। बेटा मगर आप इस कंडीशन में कैसे करोगे?
बाबा आप बिल्कुल टेंशन ना ले, मेरे स्कूल की एक कॉलीग है वो मुझे पिक कर लेगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं 10 बजे से पहले घर वापस आ जाऊंगी, बस प्लीज आप मुझे परमिशन दे दे बाबा। ठीक है बेटा, जो भी करना बस देखभाल की करना। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। सर वो मैंने आपको एक लड़की का बताया था जो बैडमिंटन खेलना चाहती है। जी जी, मैंने आपसे कहा था कि आप उन्हें ले आएं। ले आए आप? जी जी सर, मैं ले आया हूँ। जी कहाँ है? सर ये है। ये मगर ये तो मगर मैं तो व्हीलचेयर पर हूँ, मैं कैसे खेलूंगी, है ना? सर आप मुझे एक मौका तो दें, मैं नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा अच्छा खेल के दिखाऊंगी। एक प्लेयर में बिल्कुल ऐसा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। I like your confidence. चलें एक टेस्ट मैच हो जाए। Yes sir, sure. इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। थैंक यू सो मच इकरा, आज तुमने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। क्या हो गया, मैंने जस्ट एक पेपर ही तो साइन किया है। रुक जाओ इकरा, तुमने पेपर पर साइन तो नहीं किए? कर दी है, मगर क्या हुआ है, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? बस जिसका डर था वही हुआ, तुमने दोस्ती के धोखे में आकर उन पेपर्स पर साइन कर दिए जो तुम्हें नहीं करने थे। तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं बताता हूँ, तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी 2 मंथ की सैलरी और अहमदपुर वाली जमीन के डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, तो ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इन पर साफ साफ लिखा है कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी और 2 मंथ की सैलरी अपने प्यारे दोस्त यानी मेरे नाम कर रही हो। तुम होश में तो हो, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये सही कह रहा है इकरा, हमने तुम्हें कहा था ये सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है। मगर तुमने हमारा यकीन क्यों करना था, तुम्हें तो अपने दोस्त भी यकीन था। फरहान मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम मुझसे मांग लेते, मैं दोस्ती पर सब कुछ कुर्बान कर देती, मगर तुम मुझे धोखा तो ना देते। तुमने भी बाकी सब की तरह मेरी व्हीलचेयर पर होने का फायदा उठाया। इकरा तुम टेंशन ना लो, मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त हूँ, कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए हाजिर है। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बाबा आप परेशान क्यों हैं? बेटा ये तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि मैं परेशान क्यों हूँ। बाबा क्या मतलब? बेटा आज कुछ मोहल्लेदार आए थे। आपकी बेटी? भाई साहब मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, पर उसे मैंने ही इजाजत दी है कि वो ऑफिस में काम करे। कोई उसके साथ ऊंच नीच हो जाती है तो वो हमें ही तकलीफ होगी। अच्छा तब आपको अपनी ये बेटी नजर क्यों नहीं आई जब मैं उसको अस्पताल लेकर मारा मारा फिरता था? बेहतर तो यही है कि आप लोग अपने बच्चों पे निगाह रखें। बाबा आप मुझे माफ कर दें, इसमें मेरी ही गलती है, मैंने आपको ऑफिस की बजाय स्कूल का बताया। बेटा मैंने आपको हर चीज की इजाजत दी, जो आपने करना चाहा मैंने इजाजत दी, कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका, लेकिन मैंने आपको झूठ तो नहीं सिखाया। बाबा इसको मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दें। बेटा आप भी मुझे माफ कर दें।
मैं अगर आपकी वालदा की बात मानकर आपको पोलियो के कतरे पिला देता तो आज आपकी ये हालत ना होती, आप टांगों से माजूर ना होते, मैं भी आपसे शर्मिंदा हूँ। बाबा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं माजूर होकर भी माजूर नहीं हूँ, मैं आपसे और अल्लाह से राजी हूँ। बस बेटा मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगी, और जो भी करोगी ना मुझे बता के करोगी। बाबा मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपसे वादा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मिस इकरा का घर यही है? बताया नहीं आप अचानक यहाँ। भाई बात इतनी बड़ी थी कि मुझे खुद आना पड़ा। कैसी बात, सब खैरियत तो है? जी जी सब खैर है। जैसा कि आपको पता होगा कि इकरा बैडमिंटन की बहुत अच्छी प्लेयर है और ये बड़े बड़े खिलाड़ियों को मात दे सकती है। मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको नेशनल कॉम्पिटिशन के लिए जरूर पार्टिसिपेट करवाऊंगा, और हमें उसका अप्रूवल मिल गया है। सर सच्ची? जी। और अंकल मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ, क्योंकि अगर इकरा जैसे लोग आगे जाएंगे तो ये सिर्फ अपना नहीं बल्कि हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। बेटा मेरी इजाजत हमेशा इसके साथ है, लेकिन मेरी एक शर्त है, इकरा जहाँ जहाँ खेलने जाएगी मैं इसके साथ जाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता। जी जी अंकल, ये तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, आप जरूर जा सकते हैं। तो बस फिर इकरा आज से तैयारी कस लो, बहुत मेहनत करनी है हमने। जी सर मैं बहुत मेहनत करूंगी और आपको जीत कर दिखाऊंगी इंशाल्लाह।